झारखंड के रांची और खूंटी जिले के बॉर्डर पर स्थित दशम फॉल में वैसे तो दिसंबर और जनवरी के महीने में पर्यटकों की भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में हुई बारिश में दशम जलप्रपात की खूबसूरती को और भी अधिक बढ़ा दिया है। यही वजह है कि इन दिनों बारिश के मौसम में भी दूर दराज से कई पर्यटक दशम फॉल का दीदार करने पहुँचने लगे हैं। रांची, खूंटी और आसपास के पर्यटकों से गुलजार रहने वाला दशम फॉल में इन दिनों पटना, कोलकाता और आसनसोल से आए पर्यटकों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। दशम फॉल देखने लोग दूर दूर से आए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। रांची खूंटी सीमा पर स्थित दशम फॉल अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। यहाँ पर्यटक मित्र और सुरक्षा प्रहरी भी तैनात रहते हैं। फॉल का नज़ारा देखने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा सुरक्षित व्यू पॉइंट भी बनाए गए हैं। 144 फीट की ऊंचाई से चट्टानों के बीच से होकर बहती माटी के रंग में रंगी दशम फॉल की जलधारा बेहद ही खूबसूरत बन गई है। मात्र 2 दिन के बारिश ने दशम फॉल की रौनक को और अधिक बढ़ा दिया है। यहाँ आए पर्यटकों ने बताया कि बारिश में दशम फॉल की खूबसूरती देखने लायक हो गई है। तेज बहाव के साथ पानी का चट्टानों से टकरा कर बहना अलग ही प्राकृतिक सौंदर्य बना देता है। यहाँ आकर जन्नत सा अनुभव हो रहा है। पर्यटकों ने यहाँ बने व्यू पॉइंट से दशम फॉल के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारा। कोलकाता से पहली बार दशम फॉल देखने आए सैलानियों ने कहा कि जलप्रपात को देखकर मन खुश हो गया। इतनी खूबसूरत जलधारा उन्होंने कभी नहीं देखा था। पेड़ पौधों के बीच चट्टानों से होकर बारिश में हाई प्रेशर के साथ जल का बहाव सुखद अनुभूति देता है। हम लोगों ने यहाँ खूब फोटो लिया, सेल्फी के साथ फॉल के खूबसूरत नज़ारे को कैद किया। यह हमारे लिए यादगार रहेगा। पटना से पहुंची प्रियंका ने कहा कि यहाँ कर उन्होंने काफ़ी मौज मस्ती की। पानी के अद्भुत नज़ारे को देखकर मानो स्वर्ग सा अनुभव होने लगा। पेड़ पौधों से घिरा दशम फॉल वाकई में बहुत खूबसूरत है। लोगों को यहाँ से पर्यावरण संरक्षण का भी सीख लेना चाहिए। हम लोग यहाँ आधे घंटे तक फॉल को देखते रहे और काफी आनंद लिया। हाँ, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नेचर अच्छा है, फॉल अच्छा है, मंदिर अच्छा है। मैं यहाँ पे देवरी मंदिर, सूर्य मंदिर और पॉपुलेशन नहीं है, एकदम वातावरण अच्छा है, पेड़ पौधा है। यहाँ से सीख के सभी को जाना चाहिए और इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। बहुत सारे तस्वीरें खींचे तो उम्मीद है हम वहाँ पे जाके वो फ्रेम में हम रखेंगे और उनमें भी बहुत सारे फोटोज दिए वो सब देखेंगे, बहुत सारी यादगार आएंगे। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मतलब इतना सुंदर जो हमने कभी नहीं देखा। मतलब ऐसा हो सकता है, मैंने मतलब हम लोग आधा घंटा आए हैं, इतना पानी बढ़ गया, हम लोग चौक गए। इतना सुंदर क्या बोले, और देखिए आप लोग इतना सुंदर, इतना यादगार हम कभी नहीं भूलते। बहुत नज़ारा बहुत अच्छा है और यहाँ का बहुत सारा खूबसूरत भी बहुत अच्छा है। यहाँ जो भी है प्राकृतिक का है, प्राकृति का देन है जो पानी।